YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए RBT सब्जेक्ट लेके आया हूँ। एक ये नया प्रारंभ है, क्योंकि हम पहले पढ़ा रहे थे आपका PDF में, उसको छोड़कर और कुछ लोग PDF में पढ़ाएंगे और कुछ लोग जो है आपके इसमें जिनको वहां सुविधा होगी वो वहां PDF की तरह पढ़ाएगा, और जिनको ऐसे सुविधा होगी इस तरीके से पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, कोर्स भी जल्दी आपका खत्म होगा और आप लोगों को क्लास की फीलिंग भी आएगी, जैसे आप लोग अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं RBT, रेलवे ब्रिज टनल। देखिए, हाईवे को पहले ये सब्जेक्ट जो है हाईवे के नाम से जाना जाता, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता था। अब ट्रांसपोर्टेशन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक हाईवे में, और हाईवे के साथ हार्बर पोर्ट अटैच था, और रेलवे ब्रिज टनल, आर से रेलवे, बी से ब्रिज और टी से टनल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन, इंट्रोडक्शन। तो रेल ट्रैक क्या होता है? यह जो है कॉम्बिनेशन है, एक रेल ट्रैक जो मिलकर बना होता है वह स्लीपर से। देखिए, यहां पर रेड कलर के आपके स्लीपर दिखाए गए हैं, ग्रीन कलर के आपका बेलास्ट दिखाए गए हैं। बेलास्ट का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े, है ना, जो इस पे रेल में डाले जाते हैं। और ये आपका ब्लू कलर में जो दिखाई गई है, यह रेल है जिसपे आपकी ट्रेन जो है वो मूव करती है। तो एक हमारा पाथ है पूरा, एक ट्रैक है पूरा, जिसको हम स्लीपर की मदद से और बेलास्ट की मदद से और रेल की मदद से पूरा तैयार करते हैं। इस पूरे ट्रैक को बोला जाता है रेल ट्रैक। ठीक है, और जो इसमें ये लोहे की आपकी लगी हुई होती है जिसपे आपका ट्रेन मूव करती है, जिसको रेल पथ बोलते हैं, ये पूरा रेल पथ कहलाता है। और जो ये लोहे की आपका एक कह लीजिए आई सेक्शन टाइप में है, ठीक है, जिसको रेल बोलते हैं, तो इसको आपका बोला जाएगा रेल। रेल आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ये कितने टाइप की होती है, बुल हेडेड रेल, सिंगल हेडेड रेल, डबल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ रेलवे की देखिए, पेपर में हिस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, कभी भी नहीं। तो बस आप इतना एक नॉर्मल से याद रखिए कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इंडिया में रेलवे की शुरुआत हुई थी, पहली रेलवे चली थी आपकी मुंबई टू ठाणे 1853 16 अप्रैल को। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहले रेल चलाई गई थी, यह आपको याद रखना है। बाकी जो रेल की हिस्ट्री है, इससे कभी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट जो है वो रेलवे ब्रिज टनल बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, कोई छोटा सब्जेक्ट हो तो उसमें से छोटी छोटी चीजें भी पूछी जाने की संभावना होती है, अदरवाइज क्या रहता है कि मेन टॉपिक ही पूछे जाते हैं। एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा आपका हिस्ट्री और जो ऐसे टॉपिक जिनका कोई जरूरत नहीं है उनको हम छोड़ के आपका मेन टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जोन्स ऑफ रेलवे। तो रेलवे के कौन कौन से जोन है? देखिए, भारत जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, और पूरे इंडिया में अंग्रेजों के शासनकाल से ही 1853 में आप सोचे स्टार्टिंग हुई है, अंग्रेजों के शासनकाल में ही आपका कार्य शुरू हो गया रेल में, और उसके बाद उसमें जोन्स बनाने शुरू हो गए। जोन इसलिए बनाए जाए कि हम छोटी छोटी जगह जब भी कोई काम आपको करना हो तो उस काम करने के लिए आपको क्या होता है, उस काम को कड़े बड़े बड़े छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ना पड़ता है। तो पूरे इंडिया को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे रेल पे कंट्रोलिंग अच्छी हमारी बनी रहे, हम उसकी सुविधाओं को देख सकें, ट्रैक्स को देख सकें, मेंटेनेंस कर सकें, और अगर कहीं कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना है रेल ट्रैक को तो उसका जो वर्क है, एरिया है, उसको कई भागों में बांट दिया, उसके कई भाग कई हेड ऑफिस बना दिए, इस तरीके से जोन में डिवाइड किया गया है। तो इसमें पुराने जोन कुछ थे और उसके बाद फिर उसमें नए जोन जोड़े गए हैं। तो जोन्स ऑफ रेलवे में सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड जोन्स की। तो पुराने जोन कौन कौन से हैं? पुराने जोन में आपका नॉर्दर्न रेलवे, जिसका हेड ऑफिस कहां है, नई दिल्ली में है। पेपर में अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, अक्सर GK में भी पूछ लिया जाता है और आपका इसमें भी पूछा जा सकता है कि जोन्स ऑफ रेलवे को डिफाइन कीजिए या बताइए कौन कौन से जोन्स होते हैं। तो नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे का हेड ऑफिस कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे तो अब उसका हेड ऑफिस कहां है, मुंबई है। सेंट्रल रेलवे का हेड ऑफिस कहां है, मुंबई है। साउदर्न रेलवे का हेड ऑफिस कहां है आपका, चेन्नई में है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेड ऑफिस कहां है, या नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेड ऑफिस कहां है, गोरखपुर में है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेड ऑफिस कहां है आपका, कोलकाता में है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो आपका हेड ऑफिस है वो मालीगांव गुवाहाटी में है, गुवाहाटी आपका असम में पड़ेगा। यहां पर चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, मुंबई आप महाराष्ट्र में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो जो यहां पर लिखा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब होता है सीमांत। ठीक है, तो
आप लोगों ने जीके में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ते होंगे, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, सीमांत गांधी किसको बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो वो फ्रंटियर है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, ठीक है। फिर साउदर्न सेंट्रल रेलवे आपका सिकंदराबाद में पड़ेगा, सिकंदराबाद आपका, उसके बाद यहां पर ये गुवाहाटी। नेक्स्ट है आपका न्यू जोन, ओल्ड जोन में आपके बता दिए मैंने कितने 9, तो ओल्ड जोन में आपके हो गए 9। अब न्यू जोन की बात करते हैं, नए जोन में कौन कौन सा आया, तो आपका नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे तो इलाहाबाद में, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे तो आपका जयपुर में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कॉरिडोर रेलवे तो आपका कहां आया ये भुवनेश्वर में, ठीक है, ईस्ट कॉरिडोर रेलवे भुवनेश्वर में, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में, फिर आपका आया साउदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में, और साउदर्न वेस्ट रेलवे आपका हुबली में। तो ये आपका इतने सारे 7 जो हैं ये न्यू जोन्स बनाए गए थे, पहले पुराने जोन्स थे आपके 9 और 7 जो हैं वो आपके नए जोन हैं, इनके सेंटर अलग अलग दिखाए गए हैं। तो आप ये देखिएगा यहां पर बहुत सारे ऐसे हेड ऑफिस हैं जिनके सेंटर बहुत मैच करते होंगे, जैसे आपका कोलकाता का ये और मुंबई का आपका ये और ये आपका मैच कर रहा है यहां पर, ठीक है, यहां पर आपका कोई भी नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो 7 ये हो गए, तो आपके टोटल जोनों की संख्या कितनी हो गई 16 टोटल आपके रेल के जोन हो गए, क्लियर। तो कभी भी पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे बताइए, तो आप ये पेपर में लिखेंगे कि भारतीय रेलवे को नए जोन तथा पुराने जोन में, नए जोन पहले पुराने जोनों में बांटा गया है, जिन जोनों की संख्या आपकी जोन्स की संख्या कितनी है 9 है, और जो नए जोन है उनकी संख्या 7 है। तो आपका नए जोन ओल्ड पुराने जोन की जो हेड ऑफिस है उनका नाम लिखना है, और नए जोन के जो हेड ऑफिस है उनका आपको नाम यहां पर लिख देना है कहां कहां आपका हेड ऑफिस है। उसके बाद बात करते हैं डिवीजन, तो देखिए रेलवे में आपका डिवीजन का डिवाइडेशन भी हुआ है। डिवीजन मतलब उसको कैसे सेक्शन में बांटेंगे, सेक्शन में क्यों बांटा जाता है, डिवीजन में क्यों बांटा जाता है रेलवे को, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि रेलवे को आप कैसे, रेलवे में जो डिवीजन आप करेंगे तो उसमें यह रहेगा कि हम उसको कैसे मेंटेनेंस करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे उसको समझेंगे, ठीक है। तो डिविजनल इंजीनियर कितने पर होगा, वह उसका मेंटेनेंस है, फॉर्मेशन है, जो भी जिस भी प्रकार की रेल ट्रैक से रिलेटेड समस्या है, अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर वर्क अगर कोई समस्या है, कुछ भी देखना है, तो वह डिविजनल इंजीनियर के अंतर्गत आएगा, जिसको बोलते हैं डी, ठीक है। तो डिविजनल इंजीनियर को कैसे आप डिजाइन कर, देखिए जब भी रेल की बात कोई करता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये मार्कर है, ये एक रेल ट्रैक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 10 आदमी है, तो हमने कह दिया भैया तुम इतना देखो, तुम पोर्शन इतना देखो, तुम पोर्शन इतना देखो, तुम पोर्शन इतना देखो। अब जब बड़ा अधिकारी होता है तो उसको हम, जैसे इस पेन का जो मेन अधिकारी होगा उसको हमने पूरा पेन का दे दिया कि आपको पूरा पेन इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्शन करना है। अब उसने क्या किया, उसने छोटे वाले को काम दिया तो उसको आधे भाग में बांट दिया, फिर आधे वाले ने फिर इसको आधे में बांटा। तो पूरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहां से लेकर आपका ये, मान लीजिए गोरखपुर से लेकर, ठीक है, गोरखपुर से लेकर और आपका ये जा रहा है दिल्ली तक, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो हमने इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि इसमें मैंने एक डिविजनल इंजीनियर रख दिया। ये डिविजनल इंजीनियर क्या किया, इसने ये पूरे ट्रैक को देख रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, जब इसकी इच्छा करे, इसकी जिम्मेदारी है पूरे ट्रैक की, कभी भी कोई दुर्घटना होती है, कोई समस्या होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रहेगी। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको फॉरवर्ड करेगा, असिस्टेंट इंजीनियर को, जो 400 किलोमीटर पर रखे जाएंगे इस तरीके से कि भैया असिस्टेंट जो है वो आप इतना देखोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी आगे की नहीं है, आगे तो कोई दूसरा होगा, तो पहला यहां हो गया, आगे यहां हो गया, 200 किलोमीटर के बाद 200 किलोमीटर ये हो गया, भाई 400 ये हो गया, इसकी तो 1000 की जिम्मेदारी हो गई, जैसे मैंने लिखा 700 से 1000 किलोमीटर पर डिविजनल इंजीनियर होता है, तो मान लीजिए ये पूरा 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसको हमने एक डिविजनल इंजीनियर को पूरा ट्रैक दे दिया। कहने का मतलब गोरखपुर से दिल्ली का एक आदमी आपका ट्रैक देखेगा, लेकिन उस व्यक्ति को उसने, उसके सबॉर्डिनेट भी तो होंगे, तो उसने उसको सब डिवाइड किया है, सब कैटेगराइज किया है, तो असिस्टेंट इंजीनियर को 400 किलोमीटर का ट्रैक मिलेगा, ठीक है, 400 किलोमीटर पर एक असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा। फिर परमानेंट वे इंस्पेक्टर PWI,
इसमें आपका अक्सर पोस्ट डायरेक्ट पोस्ट निकलते हैं पीडब्ल्यूआई की, जिसमें बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले दोनों भर सकते हैं, जिसको रेलवे जेई बोलते हो आप लोग, है ना। तो 50 से 80 किलोमीटर के लिए ये होता है, इसी को सेक्शनल इंजीनियर भी बोला जाता है, सेक्शन इंजीनियर भी बोला जाता है। तो 50 से 80 किलोमीटर इसका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें डिवीजन भी बांट सकते हैं। आप लोग अपना मोबाइल पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। देखिए यहां पर दो क्वेश्चंस बनेंगे, दो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे कि बोलेंगे एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट का क्या एडवांटेज है? अब एडवांटेज कभी तुमसे बोले कि भाई आपके क्या फायदे हैं, तो आपके किसकी तुलना में फायदे हैं, तो जहां कंपेरिजन की बात आएगी, कंपेयर की बात आएगी, तो वहां रोड से कंपेयर करेंगे। और यहां पर एडवांटेज है तो दोनों चीजें एक दूसरे से थोड़ा मैच करती हुई है, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। तो एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, सबसे पहला रेल बहुत सुरक्षित है हाईवे की तुलना में, हाईवे में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, बट यहां पर एक चीज देखने वाली है कि यहां सुरक्षित तो है बट जब दुर्घटना होती है तो लॉस जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो कभी कभी आपसे अगर कोई पूछ ले कि रेल ट्रांसपोर्ट का नुकसान क्या है, तो बेशक इसमें सुरक्षा है बट जिस दिन नुकसान होगा उस दिन बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद बात करते हैं कि यह सस्ता है हाईवे की तुलना में, इसमें किराया कम रहता है, आप सभी लोग इससे जो है जानते हैं, है ना, कोई भी अनभिज्ञ नहीं है इस चीज से, सभी लोगों को पता है कि रेल का जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो चार्ज है वो सस्ता है। फिर उपलब्धता, हर जगह अवेलेबिलिटी है इसकी, है ना, जहां पर नहीं थी वहां पर 2014 के बाद से या उसके पहले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में रेल का विकास किया गया है और रेल पहुंची है। पहले काठगोदाम तक थी, अब आगे तक, मेघालय पहले नहीं थी, वहां तक अब पहुंचने का प्रयास चल रहा है, कई जगहों पर पहुंच भी गई है, ठीक है। तो उपलब्धता भी है। उसके बाद क्षमता, हाईवे की तुलना में इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, ट्रक की तुलना में इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, कहीं पर रोक टोक नहीं होती है, जाम नहीं लगते हैं, ये सुविधा है इसमें, ज्यादा माल वहन कर सकता है। तो उपलब्धता हो गया, सस्ता हो गया, क्षमता हो गई, माल वहन हो गया, रोजगार ज्यादा उपलब्ध कराता है रेलवे, ठीक है। उसके बाद रोजगार उपलब्ध कराता है रेलवे, माल वहन की क्षमता ज्यादा है, युद्ध काल में आपातकाल में आपका बहुत ज्यादा काम आता है। अभी देखिए यूक्रेन विवाद चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का, तो उसमें देखिए आपका मेट्रो रेल इंडियंस को बॉर्डर तक पहुंचा रहे हैं, तो ये उन चीजों में काम आती है। जब सारी चीजें ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो युद्धकाल के दौरान आपने देखा होगा। और आपातकालीन सेवा, आपातकालीन सेवा, जैसे अभी अब कोरोना महामारी था तो आपका जितनी भी दवाएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका एक्सपोर्ट करना, ये सब रेल चलाई गई थी, है ना, उनसे बहुत ज्यादा माल इधर उधर पहुंचाया गया था, मटेरियल पहुंचाया गया था। तो आप ये सेवा भी प्रदान करती है, रोजगार भी प्रदान करती है, उपलब्धता भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। और इसमें एक और फायदा है, पोस्टल, जो पोस्ट ऑफिस के डाक्स होते हैं, उन डाक होते हैं, उनको भी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने में मदद करती है। तो इसके ये फायदे हैं। अब आपसे कोई पूछे कि हाईवे की तुलना में रेलवे के, आप हमें वो बताइए कि क्या फायदा है रेलवे का हाईवे की तुलना में। तो हाईवे की तुलना में जो रेलवे का फायदा है वो आपका ये है, देखिए कैसे लिखेंगे, रेलवे जो है वह महामार्ग की तुलना में सुरक्षित है, फिर लिखेंगे महामार्ग की तुलना में यह सस्ती है, इसमें उपलब्धता की बात नहीं करेंगे क्योंकि हाईवे ज्यादातर उपलब्ध है रेलवे की तुलना में, तो इसको मिस कर देंगे। कंपेयर जब भी रेलवे की हाईवे से करेंगे तो कंपेयर कब करते हैं, आपको किसी की तुलना करनी है, किसी व्यक्ति से बोले कि आप किसी चीज से तुलना करें तो अपनी बुराई नहीं करेंगे ना, तो उसको आप इग्नोर करेंगे, तो उपलब्धता को इग्नोर कर देंगे उस टाइम पे, क्योंकि हाईवे की उपलब्धता एकदम, आप घर से बाहर निकले सड़क मिल गई, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे क्या रेल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। क्षमता बिल्कुल लिखेंगे कि रेलवे की क्षमता ज्यादा होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं, ठीक है, माल वहन की क्षमता बहुत ज्यादा है, ठीक है। और रोजगार, रोजगार रेलवे में बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा उपलब्धता है रोजगार की, हाईवे में इतनी नहीं है, क्योंकि रेलवे हाईवे में इतना मेंटेनेंस जो है बहुत स्मॉल स्केल पर होता है, जबकि वहां पर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रेलवे में रिस्क को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए मेंटेनेंस जो है वहां पर परमानेंट है। उसके बाद युद्धकाल आपातकालीन सेवा को आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और हाईवे में लिखिएगा कि इसमें हम सड़क तक पहुंच सकते हैं, रेलवे में आपका सड़क तक नहीं पहुंच सकते, या उसके जो है डिमेरिट्स हैं। वैसे पेपर में ये सब इतना नहीं आता है, फिर भी मैंने बता दिया है, अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप
कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका यहां पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे, नहीं सॉरी टाइप्स ऑफ रेलवे, पहले ये देख लेते हैं फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ रेलवे क्या है, रेलवे को तीन भागों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, जैसे सरफेस रेलवे, एलिवेटेड रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे। तो अंडरग्राउंड या ट्यूब रेलवे, एलिवेटेड रेलवे मतलब आपका जो रेलवे जमीन से ऊपर चलती है, सरफेस रेलवे जो जमीन से जमीन पर चलती है। तो जब भी कोई रेल ट्रैक का निर्माण किया जाता है तो चूंकि हम एकदम ग्राउंड लेवल पर, जैसे मान लीजिए ये हमारी सड़क है, ठीक है, ये सड़क से हम जा रहे हैं और ये हमारा रेल ट्रैक है इस तरीके से, तो इसका लेवल, इसके ये लेवल थोड़ा ऊपर होगा, कितना ऊपर होगा 60 सेंटीमीटर। तो अगर 60 सेंटीमीटर ऊपर है तो इसको बोलेंगे सरफेस रेलवे, यहां मैंने लिखा भी है 60 सेंटीमीटर अप, ठीक है। क्यों 60 सेंटीमीटर अप होता है, 60 सेंटीमीटर अप इसलिए हम बनाते हैं बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो रेल ट्रैक को प्रभावित ना करे, रोड्स का पानी रेल ट्रैक में ना भरे, इसलिए सरफेस को थोड़ा ऊपर रखा जाता है। एलिवेटेड रेलवे क्या है, जो जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर बनाया जाता है, जैसे आप मेट्रो देखते होंगे उस तरीके से अंडरग्राउंड में भी मेट्रो आता है जो जो जमीन से, जो सरफेस लेवल से 15 से 20 मीटर डेप्थ तक ही, डेप्थ तक बनाया जा सकता है, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड या ट्यूब रेलवे, ठीक है। तो यहां पर इसके लोकेशन के आधार पर टाइप्स ऑफ रेलवे हैं, आपका सरफेस रेलवे जो सरफेस पर होता है, सरफेस पर, सरफेस से 60 सेंटीमीटर अप, जो ये आपका ट्रैक है, इस तरीके का अगर ट्रैक कहीं बना हुआ है इस तरीके का रेल ट्रैक, तो ये ग्राउंड लेवल जो है इसका कितना होगा 60 सेंटीमीटर अप होगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे में क्या है आपका, ट्रंक रूट्स, मेन लाइंस एंड ब्रांच लाइंस, ट्रंक रूट, मेन लाइन और ब्रांच लाइन। जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे है उसमें रूट्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि भाई आप कितनी स्पीड पर और कौन से ट्रैक पर आप दौड़ाओगे। तो जो मैं ट्रैक बताने वाला हूं उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो गेज होते हैं वो क्या है। तो देखिए जो परमानेंट वे होता है हमारा, ये परमानेंट वे का एक फिगर है, एक सिंबॉलिक फिगर है, इसमें आपका क्या है, देखिए ये आपकी ग्राउंड सरफेस है, यहां देखिए ये आपकी ग्राउंड सरफेस है, ये आपकी जीएल है, ग्राउंड लेवल कह लें, ग्राउंड सरफेस कह लें, ये जीएल है ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल पर आपको मिट्टी भराई करेंगे, एम्बैकमेंट लिखा है मतलब भराव, ठीक है, भराव करेंगे। भराव के बाद यहां पर आपको इस तरीके से स्लोप देना है 2:1 का, ठीक है, इस तरीके से आप स्लोप देके और यहां पर बेलास्ट को भरेंगे, बेलास्ट मतलब गिट्टी, ठीक है, पत्थर की गिट्टी भरेंगे और उसके बाद इसके ऊपर यहां पर एक स्लीपर रख के और इनको जड़ दिया जाता है, किसको, ये रेल्स को, ये क्या है, रेल है, ठीक है, इनका ये आपका धातुओं के होते हैं, मेटल के होते हैं, आई सेक्शन टाइप में, इसको मैं आप, इसके जो टाइप्स हैं मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि रेल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के रेल को ऊपर हम इसके स्लीपर के ऊपर फिक्स कर देते हैं। अब दो रेल की बीच की दूरी, दो रेल की बीच की दूरी क्या कहलाती है, मान लीजिए इस पे एक पहिया रहेगा, एक व्हील रेल का इस पे रहेगा, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, गेज, क्या कहलाएगी, गेज। तो रेल के बीच की दूरी है तो इसको बोलेंगे रेल गेज, क्या बोलेंगे, रेल गेज, क्या बोलेंगे, रेल गेज, ठीक है। अगर रेल के बीच की दूरी है तो रेल गेज। तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ रेल गेज इन इंडिया, तो ब्रॉड गेज 1.676 मीटर, ठीक है, ब्रॉड गेज की जो बीच की दूरी हो, जो डिस्टेंस होती है, और ध्यान रहे कि इसमें डिस्टेंस कभी भी आप सेंटर से नहीं दिखाएंगे, इनर टू इनर डिस्टेंस दिखाएंगे, सेंटर से कभी भी डिस्टेंस नहीं दिखाना है आपको। तो जो ब्रॉड गेज की जो आपका इनर डिस्टेंस होती है तो कितनी होती है, 1.676 मीटर। कंपटीशन में भी अक्सर पूछा जाता है कि ब्रॉड गेज का कितना आपका डिस्टेंस होता है। मीटर गेज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है मीटर गेज, तो वह 1 मीटर होता है। नैरो गेज 0.762 मीटर होता है। एक चीज मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया में अब मैक्सिमम ब्रॉड गेज है, आपने सुना होगा पहले
कि ये छोटी लाइन की गाड़ियां हैं। छोटी लाइन क्या था, वो आपका मीटर गेज था। अब सभी लगभग ब्रॉड गेज हैं, जो नैरो गेज की गाड़ियां हैं ये कोयले की खदानों में इनमें यूज होती हैं, जहां पर बहुत छोटे कोयला ले जाना है, उसकी दौड़ाने वाली गाड़ी ले जानी है, वहां पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नैरो गेज, ठीक है। अब कारखानों और विद्युत गृह में एक बच्चा गेज होता है जिसको चाइल्ड गेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चाइल्ड गेज, क्या बोलते हैं, चाइल्ड गेज, CHILD, चाइल्ड गेज, GAUG, ठीक है। तो जब कारखानों में या आपका इलेक्ट्रिसिटी हाउस में, विद्युत गृह में हम क्या यूज करते हैं, चाइल्ड गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, चाइल्ड गेज का प्रयोग करते हैं, बच्चा गृह का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं आपका, ठीक है, चाइल्ड गेज या बच्चा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बच्चा गेज, ठीक है, ये पेपर में कभी भी पूछा जाए, ठीक है, और इंग्लिश में लिखेंगे CHILD, चाइल्ड, ठीक है, GAUG, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, अगर कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो। कारखानों और विद्युत गृह में 0.661, ठीक है, चाइल्ड। अब कारखानों और विद्युत गृहों में जब 0.61 का गेज यूज होता है और नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज यूज होते हैं, तो इन्हीं के आधार पर, ऐसा नहीं है कि ये ब्रॉड गेज जो डिफाइन किए गए हैं, जो बताए गए हैं आपको, तो हवा में नहीं बताए गए कि आपको बस ऐसे ही बता दिए गए ना। ब्रॉड गेज से फायदा क्या है वो आप देखिए। तो देखिए ब्रॉड गेज से क्या फायदा होता है, यहां पर अगर भाई इसके बीच की दूरी को हम बढ़ा देंगे तो रेल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखिए भाई ये पेन है, मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहां से पकड़ूं, ठीक है, तो ये स्टेबल है, बट इसके मैं बीच में ले आऊं तो फिर क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यही तो है जो मेरे दोनों उंगलियों के बीच की दूरी है, ये गेज है। तो जब गेज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट जब ये बढ़ेगा तो ट्रेन का पर लोडिंग भी तो बढ़ेगा, और ये जो ये पेन है इसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ स्पैन, क्योंकि स्पैन बढ़ रहा है तो लोडिंग बढ़ेगा, तो रेल ट्रैक धंसने की संभावना रहेगी, शिफ्ट होने के नीचे संभावना रहेगी। तो इन सबको देखते हुए बहुत बड़ा भी नहीं रख सकते और बहुत छोटा भी नहीं रखा जा सकता, ठीक, छोटा रखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे में फिर आप सामान कितना ढोएंगे ये डिपेंड करता है ना। तो स्टेबिलिटी बढ़िया होती है गेज से, आप ज्यादा स्पीड में ट्रेन चला सकते हो, है ना, अभी ट्रक के पहिए हैं, सिकोड़ दो, ज्यादा स्पीड में करोगे तुरंत पलट जाएगा, ठीक है। तो यही चीज ब्रॉड गेज का फायदा क्या है, ज्यादा स्पीड में ट्रैक चल सकते हैं। तो जो रूट्स क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे में रूट्स क्लासिफिकेशन जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है ट्रंक रूट्स, मेन लाइन और ब्रांच लाइन। इसको किसके आधार पर बांटा गया है, स्पीड के आधार पर बांटा गया। इसीलिए मैंने उस टाइम पे जब इसको पढ़ाने जा रहा था तो मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा कि रेल गेज पढ़ा देते हैं, यही रीजन था रेल गेज पढ़ाने का, क्योंकि वहां पर लिखा है बीजी और एमजी, बीजी बोले तो ब्रॉड गेज, एमजी बोले तो मीटर गेज। तो ट्रंक रूट्स के लिए जो बीजी की स्पीड है, ब्रॉड गेज की स्पीड है, वो 160 किलोमीटर पर आवर है। ट्रंक रूट्स के लिए जो बीजी की स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है, और एमजी के लिए कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 100 किलोमीटर पर घंटा। मेन लाइन के लिए 120 किलोमीटर पर आवर, और एमजी मीटर गेज के लिए कितनी है आपकी, 75 किलोमीटर पर आवर। ब्रांच लाइन के लिए 100 किलोमीटर पर आवर है, और मीटर गेज के लिए कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। एक करेक्शन में बता देता हूं, अगर जो बच्चा आपका एशियन की बुक से पढ़ रहा है तो यहां पर एक करेक्शन है, देखिएगा, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, बट किसी पुरानी किताब में या नई किताब में यहां पर देखिएगा 700 से 100 लिखा है, उसको आप 1000 किलोमीटर जरूर कर लें, अगर पढ़ लें तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। तो यहां पर ये पहला चैप्टर मुख्य रूप से खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है, सेकंड चैप्टर में बहुत जल्द, और आपका ये ध्यान रखिए कि मैं आपका कोर्स जो रेलवे का है इसी तरीके से पूरा करा दूंगा, बस आप मुझे इस बोर्ड को देखते रहें, मुझे देखते रहें और पढ़ते रहें। सब्जेक्ट आपको ऐसा नहीं है ये हाईवे कि आपको बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, जब भी आपके पास आएगा बस एक बार रिवीजन करके जाइए और झट से पेपर में लिख देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं, जो अगला लेक्चर है वो मैं आपको बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसी तरीके से जैसे हमने नई कोशिश की है उस तरीके से आगे भी हम
कोशिशें करते रहेंगे और आपके सुझाव जो हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जहां पर कहीं भी समस्या हो, पढ़ाने से रिलेटेड, समझाने से रिलेटेड या फिर विजुलाइजेशन से रिलेटेड, वो आप हमें जरूर बताइए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि इधर 22 तारीख जो 22 मार्च है, पेपर के से पहले आपका सिलेबस इधर खत्म करा दिया जाए, फिर जो नया सिलेबस चलेगा वो टाइम टू टाइम हम चलाते रहेंगे। अब तक जो डिले हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अब आगे आपका डिले नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।